आती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार पेशे के हिसाब से या फिर एजुकेशन के अंदर हमको कुछ ऐसी चीज़ें देखना चाहिए जो हराम है, देखना भी हराम है, तो उसके अंदर मजबूरी में या फिर एजुकेशन के हिसाब से या फिर कुछ ट्रीटमेंट के हिसाब से ये जो देखना पड़ता है उसके मामले में आपकी क्या राय है? भाई ने सवाल किया कि ऐसी चीज़ें जो सिलेबस या कोर्स में होती है या कभी कभी प्रैक्टिस में भी लाना होती है, जिनको देखना पड़ता है या कभी चूना भी पड़ता है, जो कि शरीयतन हराम है, तो इलाज के तौर पर या सीखने के तौर पर ये करना कैसा है? तो देखिए, इलाज के तौर पर, सीखने के तौर पर ऐसी चीज़ों का देखना या छूना, इसकी इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि इससे जो खैर का पहलू निकल रहा है वो ज़्यादा बड़ा है बनिस्बत उसके गुनाह या शर के पहलू से। जैसा मिसाल के तौर पर एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वो डॉक्टर बनेगा तो लोगों को देखेगा, पेशेंट्स को चेक करेगा, जब चेक करेगा तो हाथ लगाना पड़ेगा, वो मेल पेशेंट हो सकता है, फीमेल पेशेंट हो सकता है, कभी हाथ लगाना है, मेल को तो कोई मसला नहीं अगर मेल पेशेंट है तो, लेकिन फीमेल पेशेंट है और मेल हाथ लगा रहा है, शरण मना है, लेकिन वो मजबूरी है, उसके बगैर वो अच्छा इलाज नहीं कर सकता छुए बगैर। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसा बच्चे की विलादत का मसला है, दूसरा कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या है तो वो माहिर नहीं है, या फिर ज़रूरत है, या फिर इमरजेंसी है, या फिर चलो वो नहीं, लेकिन वो सीखने के दौरान देख रहा है, चूँकि वो देखेगा नहीं तो फिर करेगा कैसा प्रैक्टिकली लाइफ में जब ज़रूरत पड़ेगी, तब वो जब कर रहा है, तो ये मामला ऐसा है कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, चूँकि एक औरत ज़ाहिर सी बात है वो एक तकलीफ़ में है, औलाद की विलादत के अंदर उसको मदद करना ज़रूरी है, तो ये मजबूरी वाली कैफियत है। तो मजबूरी में किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ को छूना, चाहे वो सीखने के मामले में हो या फिर इलाज के मामले में हो, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। सहाबियात में से बहुत सारी सहाबियात जंगों में जाया करती, जख्मियों को पानी पिलाती, तो पानी कैसा पिलाएंगे जख्मी इंसान को? पड़ावा है, मुँह खोल दिया, पानी डाल दिया, नहीं, ज़ाहिर सी बात है उसका गर्दन उठाना है पकड़ के, पानी पिलाना है, जख्म में मरहम पट्टी करती, तीर जो लगे हुए निकालती, तो कैसा करना पड़ेगा? ये फिजिकली पकड़कर जख्म, तो वो औरत होती थी और मर्दों को हाथ लगाती थी, तो पता चला सहाबियात सहाबा को हाथ लगाती थी पानी पिलाने के मामले में, उठा के ले जाने के मामले में, जख्मियों को उठाना है, उनके इलाज करना है, तो पता चला तिब मेडिकली अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो हो सकता है। मेडिकल के अलावा भी, एक जनरल सेंस में बोलता हूँ, एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, किसी को बचाना है, किसी को संभालना है, कोई बहुत बूढ़ा है या जवान भी है लेकिन आपको देख रहा लड़खड़ा रहा है, गिरकर अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे, सर फोड़ लेंगे, हाथ पैर तोड़ लेंगे, ऐसे इंसान को आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अकेला और मजबूर है, चाहे आप लड़की हो और वो लड़का हो, चाहे वो लड़की और आप लड़का हो, मतलब वो मर्द और आप औरत है, या आप औरत और वो मर्द है, ये भी दुरुस्त है। गर्ल्स कॉलेज के सामने एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या औरतें ना उठाए? उठाना ही पड़ेगा, चूंकि वो बेचारा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करना पड़े। बॉयज़ के सामने एक लड़की गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, क्या करेंगे? उठाना ही पड़ेंगे, समझ रहा? तो ये करना ही है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई दोराय भी नहीं। हमारे पास मैंने यहाँ तक देखा लोगों को, एक साहब ने कंप्लेन भी किया कि उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और वो गले में गिर गई और सब ऊपर जमा होकर देख रहे, गिरी भी उनने, उठा रहे क्यों नहीं, बुरखे वाली औरत हाथ नहीं लगा सकते, ये इमरजेंसी केस है। किसी घर में आग लगी तो आप ये बोलेंगे कि बाजी मैं तुमको नहीं बचा सकता, तुम्हारे बच्चों और शौहर को बचा लेता हूँ? हाँ, लोग समझते नहीं कहाँ शरीयत क्या बोलना चाहती है। शरीयत ने आम लिहाज से देखना छूना मना किया, एक्सीडेंटल केसेस, फायर है, कोई डूब रही औरत, क्या बोलेंगे आप? कूदेंगे, और अगर आपको तैरना आता है तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंडीशन वही है, आपको फायर से लड़ना आता हो, आपको तैरना आता हो, ये कंडीशन है, नहीं तो बोले फैज़ भाई ने बोले बचाना ज़रूरी है तो कूद जाओ, समझ रहे आप? तो ये ज़रूरी है, तो ये एजुकेशन में हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है, घर में आग लग गई किसी की, औरतें फंसी है खिड़की में से आपको निकालना, जो भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। औरतें भी ऐसी सिचुएशन में बगैर पर्दे की बाहर आ सकती, सामने आ सकती है, दिखा सकती है, इलाज के लिए, मजबूरी के लिए, बचाव के लिए, समझ रहे आप? तो ये इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं। आजकल के कॉलेज लाइफ के अंदर